अस्सलामुअलैकुम गाइस, काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। और यहाँ पर पाकिस्तान की हदूद के साथ ही साथ एशिया की हदूद भी ख़त्म होती है और उसके बाद अरबिक सी है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे, वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ सारे दोस्त मौजूद हैं, ये हमारा कज़न है, ये भी फतेह मोहम्मद और दिलावर भाई मौजूद हैं। और सारे दोस्त जो है हम जा रहे हैं, अभी गाड़ी हमारी आगे खड़ी हुई है, चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ। ये हमारा बाबल भाई है जो पलाल लेके आ रहा है। तो गाइस अभी हम गाड़ी को रेडी कर रहे हैं और सारे दोस्त जो है ना गाड़ी के इंतजार में खड़े हुए। क्या हाल है? ठीक हो भाई? आपको यहाँ पे पहुँच के कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, और अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें, अब दिखाएगा आपको भाई। हमारे होस्ट जो है वो फतेह मोहम्मद भाई है और ये मेरे कजन भी हैं। इंशाल्लाह हमें ये घुमाएंगे फिराएंगे और आपको भी हम साथ ही साथ इंटरटेन करते रहेंगे। भाई ये जो है ना दिलावर भाई हैं। भाई अब पोज क्या मार रहे हो, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और चलते हैं। हाँ चलेंगे फिर। तो गाइस ये जो सीधा रोड जा रहा है ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब लेके जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई सिटी नहीं है। इंशाल्लाह हमारा हमारी कोशिश ये होगी कि आपको जो इंडिया की चेक पोस्ट नजर आ रही है ना वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सीन देखें कितना प्यारा सीन है। तो गाइस अभी हम पहुंचे पेट्रोल पंप पे और गाड़ी पेट्रोल वगैरह डलवाते और उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइस हमारा पेट लग गया था कि यहाँ पे इसमें पेट्रोल नहीं था, तो आगे देखते हैं आगे टंकी होगी और यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे पेट्रोल मिलता है या नहीं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इतनी वो खास खास ट्रैफिक इधर मिल रहा है। बाबा वो मोटरसाइकिल में डाल रहा है वो देख। हां तो 97 है ना, 97 तो भाई साहब 297 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिलता है। और अभी हमने पेट्रोल वगैरह लगवाया है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई अभी यहाँ पे तो रोड भी ख़त्म हो गया है, अभी हम जा रहे हैं कच्चे की तरफ। और ये आप देखें कि टूटा फूटा रोड है, ठीक है भाई। फतेह मोहम्मद भाई को सारा रास्ता पता है, हम नए बंदे हैं। ये मकामी बंदा है। हाँ ये मकामी बंदा है, इसको सारा पता है। मैंने सर पता है ना, आपको पता है ना, ऐसे नहीं कि भाई हम जो है हाँ ऐसे नहीं हो कि भाई इंडिया वाले गाड़ी समय तो मिले जाए। सबसे पहले तो घबराना नहीं, घबराना नहीं है ना। तो फाइनली तकरीबन आधा घंटा सफर करने के बाद हमने यहाँ पे एक ये भाई देख रहे हैं, ये मकामी मच्छर है, तो इसको हमने उठाया और आगे समंदर है और समंदर में ये शिकार कैसे करते हैं तो उसका जो है सारा प्रोसेस हमें दिखाएंगे ये भाई, और इनको भी उठाएंगे हम साथ में। तो आगे का जो सफर होगा वो हमें ये भाई हमें गाइड करेंगे। फतेह मोहम्मद भी हमारे साथ है मगर आज जो है ये भी साथ होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो इसके बिल्कुल मत करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक जरूर करें यार। हम आपके लिए इतना दूर आए, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे आए, पूरे पाकिस्तान का जो साउथ एरिया है वो एंड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, समंदर है। उसकी आपको ये व्यू दिखाने के लिए हम इतने दूर आए, तो आपको भी हमारा इतना साथ मिलता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस तकरीबन हम आधा घंटा सफर करने के बाद अभी हम समंदर के करीब पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नहीं है, और जब समंदर लहर मारता है तो ये सारा पानी पानी हो जाता है ये इलाका। और यहाँ पे रोड भी ख़त्म है, अभी नीचे कच्चा एरिया शुरू हो गया। तो गाइस यहाँ तक समंदर का पानी आ जाता है, उसके बाद जब समंदर की मौज ख़त्म होती है तो फिर ये वापसी चला जाता है। ये सारा रेण का एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई आबादी है ना कोई गांव है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं धमकीली ज़मीन है और यहाँ पर आबादी नहीं होती है, तो यहाँ पे समंदर का पानी आता है। रन ऑफ कच्छ जैसे है, इस तरह का यहाँ पे भी ये भी रन है, इसको सिंधी में हम रेण बोलते हैं। भाई साहब ये जो है ना सिलावर भाई भी फर्स्ट टाइम आए इस तरफ,
आप फर्स्ट टाइम आए हो दिलावर भाई? जी बिल्कुल। और लखाना भाई आप? जी जी सर पहली दफा है। आप तो यहाँ पे यहाँ के मकाम ही आपका तो रोज का ये यानी काम होता होगा। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, अभी देखते हैं, सुना है कि भाई आगे मछली का शिकार भी होता है, तो हम देखते हैं केकड़े का क्या होता है। केकड़ा केकड़ा मछलियां के साथ भाई, झींगा 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 भी यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ भाई, झींगे का भी शिकार कर रहे हैं और केकड़ा है उसका भी शिकार करते हैं ये लोग। बखी और क्या क्या देखने को मिलेगा? आड़ी भी है, लाखा भी है, पूंज पखी भी आता है, पेड़ भी आता है, सारा भी आता है, चलो भी आते हैं, सच्चे बाज भी जलते हैं इधर। अच्छा तो भाई ये टोटल रेण का इलाका जिसे हम बोलते हैं, ये दिन का टाइम है, वरना अगर रात का टाइम होता तो इंसान जो है ना यहाँ पे इसकी भूल भुलैया में गायब हो जाता। ड्राइवर भाई आप क्या बोल रहे थे? मेरा ना यहाँ पे जो घूमने का मजा है ना, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, चारों तरफ शीशे वाला, शीशे जो खंभा लगा होता है वो हेलीकॉप्टर, वो उस पे घूमना चाहिए ना। हाय नीचे नीचे सारा व्यू उस पे दिखेगा। बाकी यहाँ पे तो हम दो घंटे से चल रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ काहे कोई चीज ही नहीं नजर आ रही। शहर में आए हो बेटा? शहर में नहीं हो वो ये बच्चे पीछे, बच्चों को हमने कहाँ बिठाया हुआ है भाई? सफर देखे हमने, बच्चों को भी डिग्गी में बिठाया हुआ है, देखे ये भी पाकिस्तानी जुगाड़ है भाई। तकरीबन दो घंटे हो गए हम यहाँ पे और चलते ही जा रहे हैं, मगर जो है अभी तक ना समंदर दिखाई दे रहा है, ना ही जो है ये ऋण जो है वो खत्म हो रहा है, तो अभी भी चलते हैं आगे। हमने भी ठान लिए कि भाई अभी भले पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाए मगर हम पहुंचना है, हमें पहुंचेंगे फिर भले बैठे रहेंगे। हाँ तो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, आप देख सकते हैं ये समंदर है। फाइनली दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं समंदर में। लखाना भाई आप दो खबर भाई जान, बहुत मजा एडवेंचर है ना। आखिरकार दो घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचे नरेड़ी लेक पर, और आप ये मैप देख सकते हैं कि व्हाइट लाइन आ रही है, ये इंडिया का बॉर्डर है और हम इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लखपत का इलाका है इंडिया का, ये भी हमारे बहुत करीब था। हम जैसे ही पहुंचे तो मोहाना ट्राइब्स के लोग हमें बहुत देखकर खुश हुए और इन्होंने रली वगैरह बिछा के दी और कहवा चाय बना के हमें पिलाई। मैं चाय कम पीता हूँ इसी वजह से मैंने थोड़ी उठाई और दिलावर भाई से मालूम किया कि भाई दिलावर भाई चाय किसे, तो वो उन्होंने बोला कि चाय बहुत बेहतरीन है और उनको भी जायका बहुत अच्छा आया। और उसके अलावा मैंने अपने कज़न लखाना भाई से भी मालूम किया कि लखाना भाई चाय कैसी है, तो उनको भी बहुत पसंद आई। और उसके बाद हमने वहाँ से इजाज़त ली क्योंकि हमें जाना था बहुत आगे, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे एक कांटा था जहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पर होलसेल कांटा है जहाँ पे व्यापारी आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो हम चले गए वहाँ पे, तो सारे दोस्तों को हमने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े वहाँ कांटे की तरफ। इनकी ज़बान में कांटा उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पर स्टॉल वगैरह होते हैं, हम जैसे स्टॉल बोलते हैं ये कांटा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ वगैरह तोल कर और सेल की जाती हैं। तो हम भी काफ़ी सफ़र करने के बाद आखिरकार उस कांटे पे पहुंच ही गए जहाँ पर मछलियाँ वगैरह निकाली जाती हैं और सेल की जाती हैं। और ये मछेरे हमें देखकर समझने लगे कि ये बहुत बड़े व्यापारी आ गए, मगर हम व्यापारी नहीं थे, हम इनके कल्चर को देखने आए थे और यहाँ पर इनसे पूछ गछ करने आए थे कि यहाँ पर कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले हमें झींगा दिखाया, झींगा भी छोटे साइज़ का था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला कि आज मछली बहुत ही कम पकड़ी गई है, इसी वजह से हमने ना थोड़ा सा झींगा पकड़ा है। और ये झींगा है आप देख सकते हैं, छोटे साइज़ का झींगा है और मैंने भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा था ये झींगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ टाइम गुजारा और आसपास नज़र घुमाई तो पानी और बयाबान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये आप तराजू देख सकते हैं जिसको कांटा कहा जाता है, और इस सारे ठीहे का नाम जो है वो कांटा रखा गया है, और इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मछली निकलती है उसको तोला जाता है और उसके वजन के हिसाब से इसको बेचा जाता है। भाई आपको मैं दिखाता जाऊँ चलूँ कि ये सामने आपको खंभा नज़र आ रहा है, ये इंडिया के चेक पोस्ट है, ये वाला जो खंभा है ये इंडिया की चेक पोस्ट का खंभा है, और इसके परली तरफ जो है वो इंडिया है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी हम मज़ेदार वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।